नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। उन्नाव से है, जहां पे सिविल लाइंस मोहल्ले में हल्की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल के रख दी है और नगर पालिका की बड़ी लापरवाही के चलते हल्की बारिश में ही सिविल लाइंस मुख्य मार्ग टापू बनकर नजर आ रहा है। बता दें कि डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस के पास पानी भर गया, जिसके चलते लोग भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मानसून की पहली बारिश ने आज उन्नाव नगर पालिका की पोल खोल दी है। बताना चाहूंगा, मैं इस समय खड़ा हूं सिविल लाइंस मोहल्ले, जो कि वीआईपी मोहल्ला कहा जाता है और जहां से डीएम आवास और एसपी आवास की जो दूरी है वो चंद कदमों की दूरी है। और इस समय जहां पे मैं मौजूद हूं वो एसपी ऑफिस है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, एक बार दिखाना चाहूंगा कि एक बार ये देखिए आप किस तरीके से पीछे जल भराव है और किस तरीके से राहगीरों को जो नगर पालिका की एक कमी सामने आई है कि उनको नालों की सफाई को समय से करा देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं कराया, जिस वजह से राहगीर जो है किस तरीके से पानी से होके निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें राहगीर चोटहील होने का, राहगीरों के चोटहील होने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं ये एसपी ऑफिस है जहाँ पे आने वाले पीड़ितों को एसपी ऑफिस तक जाने में तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आखिर नगर पालिका परिषद ने किस तरीके की तैयारियां की मानसून से पूर्व, जो ये एक सोचने वाली बात है कि नालों की सफाई अगर ढंग से हो गई होती तो क्या जरा सी बारिश में सड़कों का ये हाल होता। इस तरीके से आप सड़क को देख सकते हैं, वो सड़क इस समय किस तरीके से जलमग्न है और ये सड़क पूरी तरीके से पानी से भरी हुई, जबकि अभी कोई खास ऐसी बारिश अभी नहीं हुई है। और जब ये बारिश अपना भयावह रूप लेगी तब ये शायद सड़कें जो है पूरी तरीके से जलमग्न दिखाई पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि नगर पालिका परिषद जो है किस तरीके से कार्य कर रही है, उसने किस तरीके से सफाई अभियान चलाया, किस तरीके से नालों की सफाई की जो आज ये स्थिति बनी हुई है। मैं चैतन्य त्रिपाठी, प्राइम टीवी, उन्नाव। खबर रायबरेली से है, जहां जिला अस्पताल में मरीजों की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। बिजली ना होने से पूरे परिसर में अंधेरा छाया रहा, जिसके चलते मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाई और ऑक्सीजन की कमी होने से दो मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने अस्पताल का निरीक्षण कर सीएमएस के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। सर, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं लाइट ना होने की वजह से? लाइट ना होने के कारण जो भी एक्सीडेंटल आ रहे हैं उनका स्टिचिंग वगैरह करने में बहुत दिक्कत हो रही है। सर, कैसे इलाज कर रहे हैं आप लोग? मोबाइल की रोशनी, टॉर्च की रोशनी और कैंडल जला के किया जा रहा है। ये सूचना प्रातः मिलने पर हमने अपने अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। लोगों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि वहाँ पे कल जैसे आंधी तूफान रात में बरसात के समय बिजली चली गई थी, तो वहाँ पे कई लोगों का ये कहना था कि बिजली बीच में कटी और जनरेटर समय से नहीं चलाया जाता है वहाँ के सीएमएस द्वारा। उन पर उनसे लोग वहाँ के स्टाफ में भी ये बात सामने। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले दर्जी कन्हैया लाल की गला रेतकर हत्या करने के बाद कई हिंदू संगठनों ने, कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। तो वहीं हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग करते हुए जिहादियों का पुतला फूंकते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के उदयपुर में एक भाई था अपना टेलर, जो जिनका नाम कन्हैया है, उनके साथ में दो मुस्लिम युवकों ने जिस तरह से उनकी हत्या की है। हम हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज उसकी गौर निंदा करता है और ऐसे युवकों को चेतावनी देता है कि हमसे आकर मुकाबला करें। भाई नुपुर शर्मा के पूर्ण समर्थन में है। खबर संभल से है, जहां मॉनसून की पहली बारिश होते ही नगर पालिका की पोल खुल गई है। पूरा मामला है दीपा सराय पानी की टंकी रोड का, जहां टंकी के आगे पाइपलाइन को ठीक करने के लिए सड़क को काटकर एक बड़ा गड्ढा खोदा था, जिसकी गहराई 6 फीट से ज्यादा है। बारिश का मौसम होने के बावजूद भी उसको खुला छोड़ दिया गया है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई बार शिकायत होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।
खबर गाजियाबाद से है, जहां अनमोल नामक नगर निगम सफाई कर्मचारी फ्लाईओवर पर झाड़ू लगा रहा था। इसी दौरान तेज बाइक सवार पर दो युवकों ने सफाई कर्मचारी को रौंद दिया, जिसमें कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। दोनों माई रोड बंद कर रखे थे और पीछे जो डिवाइडर है उसे हटा कर और ये आके बस हमारे कार्य का ये काम कर रहे थे, बस सीधी टक्कर मारी, दारू में दोनों धोते। मैं स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ ट्रेड यूनियन गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष हूँ और हमारा एक जो सफाई कर्मचारी है, हमारा एक परिवार है और मृतक का नाम अनमोल है, उसके पिताजी का नाम जसवीर जी हैं और रात को कार्य करते समय करीबन 1:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उसके जबरदस्त टक्कर मारी, जिस कारण वो पुल से नीचे गिर गए। खबर देवरिया से है, जो हम एक महीने में एक के बाद एक 10 हत्याओं से जिले में खौफ का माहौल है। मानो जैसे बेखौफ अपराधियों में पुलिस का कोई डर ही ना रह गया हो। आपको बता दें कि आज देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गजपुरवा में जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग व्यक्ति को कुडाल से मौत के घाट उतार दिया गया। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। खबर रायबरेली से है, जहां राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता ने कार्यालय के सामने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला भी फूंका है और फूंकने की कोशिश की, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कन्हैया लाल की जिस तरह निर्मम हत्या की गई और राजस्थान सरकार और उनके सिस्टम द्वारा जिस तरह उनकी हत्या के पूर्व उनको थाने में बैठाया गया, उनको दुकान खोलने से मना किया गया, कुछ आतंकवादी संगठनों के इशारे पर थाने में कार्रवाई हुई, उसके बाद जब वो पहले ही दिन दुकान खोलता है तो निर्मम तरीके से उसकी हत्या हो जाती है, उसके बाद भी राजस्थान की सरकार और उनका सिस्टम और उनके मुख्यमंत्री उसको दबाने का प्रयास करते, इसी के विरोध में हम लोगों ने आज अशोक गहलोत सरकार का पुतला फूंका है। क्या मांग है आपकी? क्या हम लोगों की मांग है कि राजस्थान तत्काल दोषियों को आतंकवादी माने और फास्ट ट्रैक कोर्ट। खबर संभल से है, जहां पर ग्रामीणों ने सफाई कर्मचारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सफाई कर्मचारी और पंचायत सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान, सफाई कर्मचारी, सभी लोगों की शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों में गंदगी से फैलने वाली बीमारियों का डर बना हुआ है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान से बात की गई है। ग्राम प्रधान ने कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाले गांव में एक ही सफाई कर्मचारी है जो गांव में ही सफाई कर पाता है, इसी वजह से गंदगी फैली हुई है। बिजनौर में देर रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है। तेज बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। ग्राम पंचायतों की सड़कों पर भारी जलभराव हो गया है और सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं, जहां से लोग मजबूर होकर गुजर रहे हैं। खबर हरदोई से है, जहां बारिश के होते ही लोगों को राहत तो मिली पर बारिश के चलते सड़कों पर लबालब पानी भर गया है, जिसके चलते कचहरी और सरकारी ऑफिसों में हर जगह पानी ही पानी भर गया है। तो वहीं सरकारी ऑफिसों तक अपनी फरियाद लगाने के लिए पहुंचने वाले फरियादियों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। भारी बारिश जो है हरदोई जिले में हुई है, खास करके नगरी क्षेत्र में हुई है। सभी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका के जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो उनके जो हमारे नगरीय निकाय हैं वहाँ के अधिशासी अधिकारियों, जो चेयरमैन साहब लोग हैं, उनको सभी लोग फील्ड में निकल गए हैं। पहले बारिश में जो जो कमियाँ रहती हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो आज जल भरा हुआ है वो नालियों में अच्छी प्रकार से सफाई न होने के कारण और उसमें पॉलीथीन इकट्ठा होने के कारण हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने स्वयं खड़े होकर के और अभी जहां जहां नाली
खबर कानपुर से है, जहां पर कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार का पुतला फूंका। सैकड़ों की तादाद में मौजूद कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की। इस दौरान सुरक्षा के लिए मौके पर DCP संजीव त्यागी के साथ भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। आज हम लोगों ने राजस्थान में हुए हिंदू परिवार कन्हैया लाल की जो हत्या की है आतंकवादियों ने, विधर्मियों ने, बाबर के वंशजों ने, आज हम लोग ने उनका पुतला दहन किया है। इसलिए आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी से हम लोग जो है निवेदन करते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके जो राजस्थान की पाकिस्तान विचारधारा और जो है तालिबानी जो विचारधारा है उसको जो दूर करें, अन्यथा की स्थिति में विश्व हिंदू परिषद का संपूर्ण जनपद हम लोग सड़कों पर उतर कर मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।